ये कूटू की मींग है, इसको पीस के मैं व्रत का आज खाना बनाऊंगी। मैंने मींग मंगाई है, आटा नहीं मंगाया है पिसा हुआ। इसको मिक्सी में पीसूंगी, फिर इसका कुछ बनाऊंगी। मैंने ये कूटू का आटा बारीक पीस लिया है, अब मैं इसकी पकौड़ी बनाऊंगी। ये पकौड़ी मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। मैं अपने बच्चों की पसंद से कूटू के आटे की पकौड़ी बनाऊंगी। ये काली मिर्च है पिसी हुई, ये व्रत वाला नमक है, स्वादानुसार इसमें नमक डाल दूंगी। ये पकौड़ियों का घोल बनके तैयार है। अब मैं पकौड़ियाँ सेकती हूँ और मेरे बच्चे खाएंगे। ये व्रत की पकौड़ी बना रही हूँ, ये देसी घी में बना रही हूँ, क्योंकि तो व्रत में तेल नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं ये देसी घी में बना रही हूँ। मैंने हरी मिर्च भी नहीं डाली है, क्योंकि हम हरी मिर्च नहीं खाते हैं व्रत में। कैसी बनी है पकौड़ी बहू रानी, कैसी बनी है? एक नंबर। चलो मेरे बच्चे खुश तो मैं भी खुश। और खाओ थोड़ी सी। खाओ खाओ, मजे में रहो।